फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ZTL लिमिटेड की क्वार्टर वन के रिजल्ट्स यहाँ पे आउट हो चुके हैं। जो यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो यहाँ पे 32 प्लस के रहने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या धमाका होने वाला है, अभी हम बात करेंगे ZTL लिमिटेड की। तो सबसे पहले यदि हम प्राइस चेक करें तो 8.90 रुपये का प्राइस रहने वाला है। फर्स्ट यहाँ पे जो लोग ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ रहे हैं वो यहाँ पे ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ZTL लिमिटेड दो अलग अलग कंपनी है, जिसमें ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्राइस है वो 1.35 रुपये के अराउंड है। लेकिन ये जो कंपनी है ये ZTL लिमिटेड है, जिस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ZTL लिमिटेड के बारे में। तो 8.90 रुपये का प्राइस है, आज के दिन 0.56% बढ़ के 5 पैसे बढ़ के बंद होने को दिखा है। साथ साथ यदि आप देखें 6 मंथ का चार्ट पैटर्न, तो 6 मंथ में लगातार गिरावट है। 16 रुपये का अपना हाई बना चुका था 6 महीने में, लेकिन वहां से जबरदस्त गिरावट एंड इस समय 8.90 रुपये के एक छोटे से प्राइस पे अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट आए उसको देखते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप भी बोलेंगे। यदि आप जब तक रिजल्ट चेक करें, फर्स्ट यदि सेल्स की बात करें तो 47 करोड़ की सेल्स इस क्वार्टर में भी देखने को मिली जून 2022 के क्वार्टर में। यदि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वहां पे भी 47 करोड़ की सेल्स थी, लेकिन यदि आप यहां पे देखें टोटल इनकम, तो टोटल इनकम में गिरावट है 1 करोड़ की। लेकिन यदि आप इस समय देखें टोटल एक्सपेंडिचर, तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर कंपनी ने कोई भी खर्चे नहीं किए, बल्कि कंपनी ने यहां पर पैसों को बचाया है, जिस कारण से कंपनी का इस समय जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पर 67 करोड़ का पहुंच चुका है। जो लास्ट क्वार्टर में 15 करोड़ के लॉसेस थे कंपनी को, इस समय कंपनी को इस क्वार्टर में कंपनी को 67 करोड़ के ह्यूज प्रॉफिट है। अभी हम बात करेंगे तफसील से, नीचे बात करेंगे और स्लाइड में तफसील से बात करेंगे इन सभी रिजल्ट्स के ऊपर। उसके पहले अभी हम टेक्निकली रूप से इस समय एक बार स्थिति यदि चेक करें ZTL लिमिटेड की, तो इस समय 8.90 रुपये के प्राइस बॉन्ड में तो चल ही रहा है। वही यदि हम 200 डेज एंड 50 डेज DMA की बात करें, तो 50 डेज DMA काफी करीब, अपने प्राइस से काफी करीब, 8.90 रुपये से काफी करीब 9.33 रुपये पे अवेलेबल है। यदि बात करें 200 डेज DMA की, तो वो भी काफी करीब 11.63 रुपये पे अवेलेबल है। साथ साथ यदि हम देखें 50 डेज एंड 200 डेज DMA जब भी प्राइस बॉन्ड से ऊपर रहते हैं, मतलब पर्पल लाइन से जब भी येलो लाइन एंड ब्लैक लाइन ऊपर रहती है, तब आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के दोनों प्रोस्पेक्टिव से ये शेयर अभी यहाँ पे एक अच्छी कंडीशन में नहीं है। जैसे ये पर्पल लाइन यहाँ पे येलो लाइन एंड ब्लैक लाइन को क्रॉस कर जाती है, उस कंडीशन में आप, मतलब ये जो प्राइस है वो यहाँ पे 50 डेज DMA एंड 200 डेज DMA को जैसे ही क्रॉस करता है, वैसे ही आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में तेजी देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म में तेजी के लिए 50 डेज DMA के ऊपर रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म में तेजी के लिए 200 डेज DMA के ऊपर प्राइस की लाइन रहनी चाहिए, मतलब जो पर्पल लाइन है वो इन दोनों लाइनों के ऊपर नीचे रहनी चाहिए। साथ साथ इस समय यदि हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इस समय 5 लाख के शेयरों के सामने देखने को मिल रहे हैं। यदि आप लास्ट क्वार्टर, लास्ट समय से देखें, लास्ट टाइम से देखें, तो 1 मंथ के एवरेज में 9 लाख के वॉल्यूम थे। देन यदि आप इस समय देखें, कुछ समयों से देखें, तो वॉल्यूम में जबरदस्त गिरावट है, 9 लाख के वॉल्यूम अभी 5 लाख के देखने को मिल रहे थे। ये सभी नेगेटिविटियाँ हैं, बकाया जो रिजल्ट समय देखने को मिले वो थोड़ी सी पॉजिटिव इंडिकेशन बना के जरूर दे रहे हैं। साथ साथ यदि हम बात करें डिलीवरी पोजीशन की, तो आज के दिन 71% की डिलीवरी VSE काउंटर पर उठाई गई, और हम NSE काउंटर पर चेक करें तो NSE के काउंटर पर भी 72% की डिलीवरी उठाई गई है। तो यहाँ पर 71-72% की डिलीवरी लगातार उठने को देखने को मिल रही थी। देन आज के दिन भी वही डिलीवरी देखने को, डिलीवरी वेस्ट पैटर्न वही देखने को मिल रहा है, तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। फर्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इस समय शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी करंट के निकल के आ चुके हैं। जून 2022 में ZTL लिमिटेड के प्रमोटर के पास 14.29% के स्टेक हैं, जिसमें से इन्होंने 97.86% का स्टेक यहाँ पर प्लेजिंग कर रखा है, जिसके एवज में इन्होंने कुछ पैसा उठाया हुआ है। पैसा कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की ग्रोथ के लिए उठाया गया है। साथ साथ यदि हम बात करें FIIs की, तो FIIs ने अपना छोटा सा स्टेक यहाँ पर सेल आउट किया है, क्योंकि FIIs के पास एक अच्छा सा स्टेक 1.69% का रहा करता था, इस समय 0.95% का स्टेक है, FIIs ने सेल आउट किया है। वही यदि हम DIIs की बात करें, तो DIIs ने भी छोटे मोटे पैमाने पर यहाँ पर स्टेक को सेल किया है, क्योंकि DIIs के पास 19.1% का स्टेक रहा करता था मार्च 2022 के क्वार्टर में। देन यदि आप जून 2022 के क्वार्टर में देखें, तो ओनली 14.6% का स्टेक है, तो यहाँ पर भी गिरावट है, FIIs की भी गिरावट है। दोनों गिरावटों के साथ साथ यहाँ पर नेगेटिविटी जरूर बनते हुए नजर आ रही है। साथ साथ यदि हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक ने जबरदस्त इसमें खरीदारी की है। पब्लिक के पास मार्च क्वार्टर में 64% का स्टेक रहा करता था, देन यदि आप अभी देखें तो 70% से ऊपर का स्टेक पब्लिक के पास पहुंच चुका है, तो पब्लिक ने जबरदस्त इसमें खरीदारी कर रही है। साथ साथ यदि हम बात करें जून क्वार्टर के रिजल्ट्स की, तो तफसील से बात करेंगे। सेल्स यदि इस समय देखें आप, तो 47 करोड़ की सेल्स सामने निकल के आई थी। उसी के साथ हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की, तो कंपनी ने 73 करोड़ के खर्चे किए हैं, उसके साथ कंपनी को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 26 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव में था। ये करोड़ में जो भी डाटा है वो करोड़ में नेगेटिव में
प्रॉफिट था। लेकिन यदि आप यहाँ पे अदर इनकम का मास्टर स्टॉक देखें तो जो अदर इनकम कंपनी ने जुटाई है वो 101 करोड़ की, जिस कारण से कंपनी को टोटल यहाँ पे यदि नेट प्रॉफिट देखें तो वो इस समय 61 करोड़ के सामने निकल के आए। लास्ट क्वार्टर में कंपनी को लॉसेस थे, उसके पहले कंपनी को प्रॉफिट जरूर थे, लेकिन कंपनी यहाँ पे लॉसेस से उभरते हुए देखने को मिली, जो यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिविटी तो बनते नजर आती रहती है। साथ साथ इस कंपनी के लिए आने वाले समय में एक अच्छे टारगेट की एक्सपेक्टेशन यहाँ से हमें मिल सकती है। हो सकता है टारगेट 16 हो, 32 हो, 33 हो, उसके बाद 50 के ऊपर भी टारगेट रह सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे इसकी सेल्स रहने वाली उसी तरह से इसके टारगेट रहेंगे। बकाया आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें यदि वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेन रीजन है इसके अच्छे रिजल्ट आने के बाद शेयर यहाँ पर भाग भी सकता है, हो सकता है थोड़ी सा यहाँ पर स्लो भागे, लेकिन भागने को आपको दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि जो इसके रिजल्ट है वो बेहतरीन है। बकाया आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।